good morning students myself ashwin Kani. we have discussed about uh, in the last video the term capitalization okay now uh, the concept and meaning of capitalization okay now we understood in this video about over capitalization and Undercapitalization. What is overcapitalization? Its causes, its effects of overcapitalization and undercapitalization. Okay. So let's start. Overcapitalization is a situation in which actual profits of a company are not sufficient enough to pay interest on debentures on loans and pay dividends on shares over a period of time this situation arises when the company raises more capital raises more capital than required a part of capital always remains ideal. with a result the rate of return shows a declining trend okay so what is the over capitalization student over capitalization matlab ek aisi situation aati hai company mein jab in which actual profit of a company are not sufficient enough to pay interest on debentures जब कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देने में डिविडेंड्स पे करने में या शेयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओके ये सिचुएशन अराइजिस वेन द कम्पनी रेजिस मोर कैपिटल जब एक कंपनी एक है वो कंपनी ज़्यादा कैपिटल रेज करती है उस वक्त ये सिचुएशन आ सकती है कौन सी ओवर कैपिटलाइजेशन की ओके okay? सो so, uh, ये क्यों आती है या उसके क्या कॉजेज हैं ये हम अभी देखेंगे The causes of overcapitalization. Okay, first one is high promotion cost. When a company goes for high promotional expenditure, that is making contracts, uh, canvassing, underwriting commission, drafting of documents, etc., and the actual returns are not adequate.

ऐसे अगर हम खरीद देते खरीदते हैं एसेट को तो वो क्या कहलाता है वो कौन सा कॉज वो कॉज में जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन का ठीक है नेक्स्ट थर्ड अ कंपनीज फ्लोटेशन इन बूम पीरियड एट टाइम्स कंपनी हैज़ टू सिक्योर इट्स इंसॉल्वेंसी एंड देयर बाय फ्लोट इन

बुम पोजीशन पे होती है बुम पीरियड रहता है बुम मीन्स हायर हायर मतलब प्रॉफिट जो है वो बहुत हायर साइड पे जाता है तो क्या होता है द टाइम व्हेन रेट ऑफ रिटर्न आर लेस एज कंपेयर टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लेस हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड भी और इसके वजह से भी कंपनी का ये कारण हो सकता है कि वो ओवर कैपिटलाइज्ड हो सकती है ठीक है नेक्स्ट जो है inadequate provision for depreciation if the finance manager is uh, if the finance manager is unable to provide an adequate rate of depreciation the result is that inadequate funds are available when the assets have to be replaced or when they become obsolete

the result is inadequate retained profits which are very essential for high earnings of the company the result is a deficiency in company to fill up the deficiency fresh capital is raised which proves to be a cost, costlier affair and leaves the company to be overcapitalized डिविडेंट पॉलिसी अगर लिबरल हो लिबरल मीन्स इक्वली डिवाइडेड होती है डिवाइडेड द डिविडेंस इंटू शेयर होल्डर्स द रिजल्ट इज इन एडिक्वेट रिटेन प्रॉफिट विच आर वेरी इसेंशियल फॉर हाई अर्निंग्स ऑफ द कंपनी जब कंपनी हाई अर्निंग करती है तो उसके ऊपर अगर लिबरली कर देती है मतलब सब रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो सब डाउन कर देती है तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ सकती है ठीक है और लास्ट वन ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स वेन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी ओवर एस्टिमेट द अर्निंग्स ड्यू टू इन फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग अगर ठीक से नहीं की हो तो क्या होता है ओवर एस्टिमेट होता है अर्निंग्स का द रिजल्ट इज दैट कंपनी गोज फॉर बोरोइंग्स विच कैन नॉट बी इजीली मेट एंड कैपिटल इज नॉट प्रोफिटैबली प्रोफिटेबली इन्वेस्टड दिस रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर ओके सो ओवर एस्टिमेशन हो जाता है कभी कभी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर ठीक से नहीं की हो इन एडिक्वेट हो तो इसके वजह से भी ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है कंपनी में ओके okay? ये सब सिक्स हमने कॉजेज दिखे अभी देखना है इफ़ेक्ट्स कैसा होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का शेयर होल्डर पे कंपनी पे और पब्लिक पे ओके द ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैव सम सम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स फर्स्ट वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स आल्सो डिक्रीजेस Secondly, the market price of shares goes down because of low profitability. Okay. Next one is the profitability going down has an effect on shareholders. Their earnings became uncertain. And last one effect on shareholder is with the decline in goodwill of the company, share prices decline. As a result, shares cannot be marketed in capital market. अभी देखेंगे कंपनी पे क्या इफेक्ट होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का बिकॉज ऑफ लो प्रोफिटेबिलिटी रेपुटेशन ऑफ कंपनी इज लो देन द कंपनीज शेयर्स कैन नॉट बी ईजीली मार्केटेड ईजीली मार्केट में नहीं आ सकते ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई कंपनी तो एंड विथ द डिक्लाइन ऑफ अर्निंग्स ऑफ कंपनी गुडविल ऑफ कंपनी डिक्लाइंस एंड द रिजल्ट इज फ्रेश बोरोइंग्स आर डिफिकल्ट टू बी मेड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ़ क्रेडिबिलिटी ओके अगर गुडविल नहीं है मार्केट में कंपनी का तो जनरली uh, डिक्लाइन होते हैं शेयर्स और उसकी क्रेड क्रेडिटेबिलिटी जो है वो लॉस्ड होती है आखिर में इन ऑर्डर टू रिटेन द कंपनीज इमेज द कंपनी इनकल इंडिविजुअल्स इन मॉल प्रैक्टिस लाइक मैनिपलेन ऑफ अकाउंट टू शो हाई अर्निंग्स ऐसा होता है द कंपनी कट्स डाउन इट्स एक्सपेंडिचर ऑन मेंसमेंट ऑफ एसेट्स एडिक्वेट डिप्रिसशन एट्सट्रा और पब्लिक पे क्या इफेक्ट होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का तो एंड ओवर कैपिटलाइज कंपनी हैज गॉट मेनली एडवर्स इफेक्ट ऑन द पब्लिक इन ऑर्डर टू

सो so, जो कुछ भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज प्रॉपरली हो नहीं रहा है उस कंपनी का ओके? Okay? क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो वेरी लो है लो अर्निंग्स ऑफ द कंपनी अफेक्ट्स द क्रेडिट क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी एज द कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स ऑन टाइम अगर टाइम पे नहीं दिया हो तो उसकी क्रेडिटबिलिटी पे अफेक्ट होता है

an undercapitalized company is one which incurs exceptionally high profits as compared to industry an undercapitalized company situation arises when the estimated earnings are estimated earnings are very low as compared to actual profits this gives rise to additional funds additional profits

एस्टिमेटेड अर्निंग्स आर वेरी लो एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल जो एस्टिमेट निकाला है कि अरे बाबा इतना प्रॉफिट होगा तो उससे भी कम होता है ओके वेरी लो एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट जो एस्टिमेट किया है कि नहीं इतना होना चाहिए प्रॉफिट तो उससे भी लो जाता है तो उसे करते कहते हैं अंडर कैपिटलाइज ओके सो अभी इसके क्या क्या कॉजेज हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के वो देखेंगे सो कॉज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन लो प्रमोशन कॉस्ट हमने ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या देखा कि जो प्रमोशन होता है वो हाई होता है अंडर कैपिटलाइज में क्या होता है लो होता है ओके सो यू कैन रिकोगनाइज मै दैट हाई इन ओवर कैपिटलाइजेशन लो प्रमोशन कॉस्ट इन अंडर कैपिटलाइजेशन ठीक है देन परचेस ऑफ एसेट्स एट डिफ्लेटेड रेट देन कंजरवेटिव डिविडेंट पॉलिसी ओके नेक्स्ट है फ्लोटेशन ऑफ कंपनी इन डिप्रेशन स्टेज कंपनी जो है वो डिप्रेशन स्टेज में चली जाती है हमने अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या देखा कि वो बुम स्टेज में जाती है अंडर so, कैपिटलाइज हो गई कंपनी तो वो क्या जाती है डिप्रेशन स्टेज में देन हाई एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट एडिकुएट प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड लास्ट मन इज लार्ज सीक्रेट रिजर्वस आर मेंटेन जो सीक्रेट रिजर्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करती है कंपनी तब क्या होता है ये कॉज बनता है ये कारण बनता है अंडर कैपिटलाइज का ओके okay? सो so, अभी हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के ऑन शेयर होल्डर्स ऑन कंपनी एंड ऑन पब्लिक और सोसाइटी सो शेयर होल्डर पर क्या होता है इफ़ेक्ट तो कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस एज रिजल्ट रेट ऑफ अर्निंग्स गो अप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर राइजेज दैन फाइनेंशियल रिपोटेशन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट अ हाई डिविडेंट ये फर्क ये इफेक्ट होता है शेयर होल्डर्स पर कंपनी के पे क्या इफेक्ट होता है विथ ग्रेटर अर्निंग्स रेपुटेशन बिकम स्ट्रोंग हायर रेट ऑफ अर्निंग्स एट्रैक्ट कॉम्पिटिशन इन मार्केट देन डिमांड ऑफ वर्कर्स मे राइज बिकॉज ऑफ हाई प्रॉफिट्स एंड द हाई प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन अफेक्ट्स कंज्यूमर इंटरेस्ट

Prices of product. Okay. And then secret reserves are maintained by the company, which can result in paying lower taxes to the government. And lastly, the general public inculcates high expectations of these companies as these companies can import innovations, high technology. एंड दे आर बाई बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ओके सो ये होते हैं इफ़ेक्ट्स शेयर होल्डर पर कंपनी पे और सोसाइटी को और पब्लिक पे ओके सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन Okay, if you want any explanation on the over capitalization and ex uh, under capitalization, please message me. I will definitely get back to you. Okay. Uh, in the next video, we discuss about the uh, new concept that is capital structure, meaning of capital structure, definition of capital structure. Okay, and importance of capital structure. Okay? So, see you soon in my next video. Till then, take care. Thank you.